Hey friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from Learning Center. Hello everyone, welcome to Learning Center. आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट वन होगा जिसमें कि हम सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद इसका एक पार्ट टू होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारे MCQs होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कि हम जो खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन कैसे होता है, मतलब कैसे उसका पाचन होता है हमें, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बस एक डाइजेशन का एक बेसिक डायग्राम है जिसमें कि हमारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है, देन ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस तक। मतलब हमारा जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, और ये बाकी बीच में जो सारे ऑर्गन हैं ये सब पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि ईसोफेगस वगैरह ये सब क्या है, इनका क्या पार्ट है, क्या रोल है, आगे ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बस एक समझाने के लिए बेसिक डाइग्राम था। चलिए अब बात करते हैं कि डाइजेशन मतलब पाचन से आप समझते क्या है। अगर सिंपल वर्डों में बोलें तो ब्रेकिंग ऑफ फूड को ही डाइजेशन कहते हैं। जो हमारा खाना है जो हम खाते हैं वो पहले देखिए मुंह में जाता है, फिर टूटता है, तो आधा तो डाइजेशन वहीं पे हो ही जाता है। तो किस तरीके से किस किस चीज़ का किस किस में ब्रेक होता है, देन अब किस में अब्सॉर्प्शन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारा जो होता है वो ब्रेक होता है ग्लूकोज में, देन इसका अब्सॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो आपका टूटेगा किस में, ग्लूकोज में टूटेगा, और अवशोषण उसका क्या होगा ब्लड में। जब आपका खाना टूटेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, देन वो अब्सॉर्ब होगा ब्लड में। और आपका जो प्रोटीन होता है वो किस में ब्रेक होता है, वो आपका एमिनो एसिड में ब्रेक होता है, एंड देन इसका अब्सॉर्प्शन ब्लड में होगा। फिर फैट मतलब वसा की बात करते हैं तो ये फैटी एसिड में ब्रेक होगा, इसका अब्सॉर्प्शन भी ब्लड में हो जाएगा। सबका अब्सॉर्प्शन ब्लड में होगा और ये किस किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे हमने ये डिस्कस की है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कनाल की। तो हमारा जो एलिमेंट्री कनाल मतलब कि हिंदी में इसको बोलेंगे आहार नाल, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री कनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कनाल इज 9 meters 30 feet फ्रॉम ईसोफेगस टू द एनस। अब हिंदी में इसको बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि यह एक लंबी एवं सतत नलिका है जो कि मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एलिमेंट्री कनाल है जो एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें हमारा खाना आता है और बॉडी में जिसके थ्रू खाना आता है एंड डाइजेस्ट होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है मतलब कि आहार नाल, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है आपकी 9 meters लॉन्ग होती है, अगर फिट्स में बात करेंगे तो 30 feet होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये ईसोफेगस से एनस तक होती है। और अगर आप देखेंगे तो मैं अब एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए हमारा ये है आपका ईसोफेगस और एनस आपका ये है, तो ये जो है एक पूरी लॉन्ग ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा खाना जा रहा है। आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो हमारे एलिमेंट्री कनाल के क्या क्या पार्ट्स हैं, बकल कैविटी और ओरल कैविटी जिसको कि मुख गुहा बोला जाता है, फेरनिक्स, ग्रसनी, ईसोफेगस, ग्रास नली, स्टमक, आमाशय एंड इंटेस्टाइन जिसमें ये छोटी आंत एंड बड़ी आंत आती हैं। चलिए हम सबसे पहले बकल कैविटी जिसको कि मुख गुहा उसको डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन है आपका कि मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, मतलब कि हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है वो मुख गुहा से स्टार्ट होती है। ये पहला भाग है, यहाँ से खाना आप स्टार्ट करेंगे और देन ये एनस तक जाएगा,
और हमारी मुख गह में क्या होता है, जीभ तथा दांत होते हैं, और जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं टेस्ट बर्ड्स, जिससे कि हम स्वाद का अनुभव करते हैं, जो मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव कराती हैं। हमें जो भी टेस्ट हमें महसूस होता है, जो भी हम पता चलता है कि वो मीठा है, कड़वा है, वो हमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी जीभ पे, उनके वजह से महसूस होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्वाद का अनुभव होता है वो जीभ के कौन से पार्ट में किस किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे आगे वाला जो ये वाला पार्ट है, हमारा जीभ का स्टार्टिंग पार्ट है, यहाँ से हम को मीठा मीठा स्वाद का अनुभव होता है। मीठा, जो भी मीठा होगा वो आगे के पार्ट से होगा। सोर, जो हमें खट्टा होता है, वो बीच के पार्ट से होता है, जीभ का जो बीच में होता है वहाँ पे खट्टा हमको महसूस होगा। और साइड्स में सॉल्ट, इसे यहाँ पे नमकीन हमें होता है। और सबसे लास्ट में जो जीभ का पार्ट है वहाँ पे हमें कड़वा, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जब भी आप दवाइयाँ लेते हैं तो वो पीछे से कड़वी लगती हैं, तो ये टेस्ट बर्ड्स की वजह से होती हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारा जो मतलब कि जो मुख गुहा है, माउथ कैविटी, उसमें क्या क्या होता है। उसमें आपने देखा कि जीभ होती है और दांत होते हैं। अब डाइजेशन उसमें कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे, कि हमारा जो डाइजेशन मतलब पाचन जो है आपका मुख गुहा में, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपका पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च का, मतलब जब हम मुख में खाना रखते हैं तो यहीं पे आपका आधा जो पाचन होता है, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन आपका मुख गुहा में ही हो जाता है। देखिए यह है ना, पाचन का प्रारंभ मुख गुहा में हो जाता है, जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। मतलब कि हम भोजन को आप बोल जब मुंह में रखते हैं तो क्या उसको चबाते हैं दांतों की हेल्प से, देन उसमें लार मिल जाती है और उसकी वजह से हमारा जो खाना है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। इसके आसपास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन लार ग्रंथियों के नाम क्या क्या हैं? 3 जोड़ी, एक है पैरोटोइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देखिए, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी पैरोटॉइड ग्लैंड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोनों का नाम जान लीजिए, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं आया इसका, पैरोटॉइड ग्लैंड से क्वेश्चन आया है। अब आगे पढ़ते हैं कि सभी लार ग्रंथियाँ लार स्त्रावित करती हैं, सीक्रेट करती हैं, जिसमें कि 99% जल एंड 1% एंजाइम होता है। मतलब जो हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं, इनका मेन काम क्या है कि लार को सीक्रेट करना, लार का स्त्रावण करना, जिसमें कि आपका क्या होता है, इनका कंपोजिशन क्या होता है, जिसमें 99% जल होता है आपका और 1% आपका एंजाइम होता है। अब हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और बायो कैटलिस्ट का मतलब हो जाएगा आपका जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या क्या होता है? किसी भी क्रिया को फास्ट कर देना, उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। अब देखिए, बेसिकली इसमें दो एंजाइम मेन होते हैं। उसका नाम है आपका टाइलिन, जिसको कि सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, दूसरा है लाइजोजाइम। ये दो मेन एंजाइम हैं। इनका काम क्या होता है? देखिए, टाइलिन से कन्फ्यूज़ मत होएगा, इसकी स्पेलिंग होती है पी से स्टार्ट होती है, जिसमें कि पी साइलेंट होता है, और कहीं कहीं इसका नाम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। दूसरा पाचक एंजाइम्स कौन सा है? लाइजोजाइम। ठीक है, मेन क्या होता है, टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन का काम होता है आपका स्टार्च को जो कन्वर्ट कर देता है ये माल्टोज में, ये काम है। और लाइजोजोम का काम क्या होता है? देखिए, हमारे खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो लाइजोजोम का काम ये होता है कि उन जीवाणुओं को मारना, वो वहीं पे मार देता है ये एंजाइम। और ये हमारे आंसुओं में भी होता है, मतलब जो हमारे जो आंसू होते हैं उनके अंदर भी लाइजोजोम पाया जाता है, और कुछ मात्रा में ये पसीने में भी पाया जाता है। और यहाँ पे इसका काम क्या होता है? जीवाणुओं को मारना। अब बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू की। कभी कभी पूछ लेता है कि पीएच सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो ये 6.8 होती है, मतलब कि ये एसिडिक है। और टोटल सलाइवा हमारे
जो हम सीक्रेट करते हैं वो कितना होता है, 1.5 से 2 लीटर, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं पैराटोइड ग्लैंड की। मैंने बताया था ना कि हमारे उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ग्लैंड मतलब क्या, ग्लैंड से क्या समझते हैं आपकी ग्रंथि, जो भी कुछ सीक्रेट करे कोई भी, तो उसको हम ग्लैंड बोले जाएंगे, ग्लैंड बोलते हैं। तो पैराटोइड ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले ये बात। तो पैराटोइड ग्लैंड जो होती है वो आपकी बिलो चीक्स होती है, गालों के नीचे, जो गालों के नीचे होती है, और ये आपकी लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। जब ये इस ग्लैंड में सूजन आ जाती है तब आपको एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है मम्स, हिंदी में इसको गलसुआ बोलते हैं। देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा इसके बारे में, तो इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि आप देख लीजिए कि मेढक और वेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ये तो यहाँ पे मैंने, ये मेढक और वेल मछली हैं, इनके अंदर लार ग्रंथियां आपके नहीं पाई जाती हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं आपके दांतों के बारे में, कि जो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, मनुष्य विषम दंती हेटरोडोंट होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जिसमें एक प्रकार से ज़्यादा, मोर देन वन टाइप अगर किसी उसमें है तो उनको हेटरोडोंट बोला जाता है। विषम दंती मतलब ये नहीं कि ऑड या इवन, ये अलग है। इसका मतलब है कि एक प्रकार से ज़्यादा अगर किसी उसमें दांत है तो, और मनुष्य उसका एग्जाम्पल है, उसको हेटरोडोंट बोला जाएगा। तो किस किस टाइप के हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर हमारे 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। एक पहले होते हैं इंसीजर, जिसको हिंदी में कृंतक बोलते हैं, सबसे आगे वाले दांत, जिनको कि जिनका कार्य क्या होता है, भोजन को काटना होता है, तो उनको इंसीजर बोला जाता है। दूसरा होता है आपका केनाइन, रद्नक, ये नुकीले दांत होते हैं जिनका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ना होता है। और तीसरा आपका होता है प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, और चौथा होता है आपका मोलर चवर्णक। इनका क्या होता है कि भोजन को पीसने का काम होता है। और टीथ हमारे वैसे 2 टाइप में, 2 लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, और परमानेंट को स्थायी दांत बोलते हैं। तो परमानेंट आपके कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, और मिल्क टीथ कौन कौन से होते हैं, वो उतने 20 होते हैं टोटल। ये काउंटिंग आप देख लीजिए। बाकी मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो मिल्क टीथ में है, ये हमारे इसमें इंसीजर की नहीं, प्रीमोलर, ये प्रीमोलर नहीं होते इसमें। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है 2 1 2 3, तो ये जो 2 है इंसीजर है, 1 केनाइन है परमानेंट में, और 2 प्रीमोलर है एंड 3 मोलर है। और यहाँ पे देख लीजिए 2 1 0 2 3, तो ये क्या है, ये इसमें प्रीमोलर नहीं है, बस ये है मेन चीज़। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है ओडेंटोलॉजी कि ओडेंटोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ, मतलब दांतों के पढ़ने को, स्टडी को आप क्या बोलेंगे, ओडेंटोलॉजी। ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका कि थर्ड मोलर लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिनको कि विजडम टूथ कहते हैं, और इनको वेस्टिलर ऑर्गन में गिनते हैं। देखिए क्या है था हमारे 20 के, जिनको कि आपने देखा होगा अकल दाढ़ बोला जाता है, कि वो कब निकलते हैं, 20 वर्ष के आसपास निकलते हैं, कभी कभी उससे आगे भी नहीं, किसी को निकलते हैं किसी को नहीं निकलते, लेट निकलते हैं। और ये वेस्टिजल ऑर्गन मतलब कि अवशेषी अंग, जिनका कोई यूज़ नहीं है। अब बात करते हैं इनेमल के बारे में। इनेमल क्या होता है, जो आपको दांत दिखता है ना सफ़ेद सफ़ेद, बहुत जो हार्डेस्ट होता है दांत की ऊपरी परत, जो आपको दांत दिखता है उसको इनेमल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 98% आपका कैल्शियम लवण होता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है। ये जो दांत हम लोग का वाइट वाइट दिखता है, टच करके आप देख सकते हैं, जिसको कि मजबूती कौन प्रदान करता है, फ्लोरीन प्रदान करता है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है। तो जो आपका इनेमल है वो आप जो आपका इनेमल है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब सबसे सख्त पार्ट बॉडी का। तो
तो उसका आंसर होगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें हमारे सॉफ्टेस्ट पार्ट की तो उसको ब्लड बोल, ब्लड उसका आंसर है। तो एक आध बारी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कलन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, फेनिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको कि हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। इसके बारे में है, गले के अंत में कोमल भाग जहाँ नाक और मुंह के मार्ग गले से जुड़ते हैं, इस भाग में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता। तो जो हमारे फेनिक्स होती है ये फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें ये कॉमन पार्ट है और यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये एक पैसेज है जिससे फूड आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं आगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस या इसको फूड फाइव भी कहते हैं, हिंदी में इसको ग्रास नली बोला जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। ये एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो कि स्टमक में खुलती है। देखिए जो हमारा मुंह में आधा स्टार्च का पाचन हो गया, उसके बाद जो हमारा खाना जो मथा हुआ है जो पीसेस में है वो आगे हमारे ईसोफेगस में पहुँचेगा। ये एक पैसेज है जो कि खाने को आगे ट्रांसफ़र करेगा और जिस जो डायरेक्ट फिर स्टमक में जाएगा। और इसका एक इसके पेरिस्टलिसिस मतलब क्रमांकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। इससे क्या होता है, भोजन आगे पास होता है, स्टमक में आगे जाता है, पर यहाँ पे देखिए कोई भी डाइजेशन नहीं होता। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर नली है जो कि स्टमक में खुलती है। देखिए ईसोफेगस से अब हमारा खाना जो आता है वो कहाँ पे आता है, वो आपका आमाशय में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे फूड का डाइजेशन होता है, किस किस चीज़ का, ये बात करेंगे। तो देखिए पहली लाइन है कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, मतलब कि यहाँ पे हमारा प्रोटीन एंड फैट का आंशिक रूप से डाइजेशन हो जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो मुख गुहा में है वहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, पार्शियल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, मतलब आंशिक रूप से पाचन होगा आपका प्रोटीन एंड फैट का। अब वो कैसे होता है आगे बात करते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे जो आमाशय की भीतरी दीवार है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये आपका गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती हैं, जठर रस जिसको बोला जाएगा, जो कि बहुत ही एसिडिक जिसका पीएच लेवल 1.8 होता है। तो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर रस को सीक्रेट करता है। अब उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर का कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं आपके, पेप्सिन आता है, रेनिन आता है, HCl एंड म्यूकस आएंगे। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होता है, आगे HCl के प्रेजेंस में मतलब HCl जब खाने में मिलता है उसमें क्या होता है, पेप्सिन आपका जो है ना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है आपको वो HCl के प्रेजेंस में पेप्टिन प्रोटीन पेप्सिन जो है पेप्सिन एंजाइम वो आपका प्रोटीन को पेप्टोन में ब्रेक कर देगा। और रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। यहाँ पर दूध का जो होता है आपका वो दही में, दूध का दही में कन्वर्जन हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपका रेनिन एंजाइम की वजह से होता है। अब आगे बात करते हैं म्यूकस के बारे में, म्यूकस का काम क्या होता है। देखिए HCl बहुत ही एसिडिक होता है कि वो हमारे जब HCl काम होता है काम हो जाता है तो हमारे उसमें म्यूकस आ जाता है और उसका एसिडिक प्रभाव को कम करके वो स्टमक की रक्षा करता है। क्योंकि HCl तो बहुत एसिडिक है तो वो नुकसान ना करे, इसके लिए हमारा म्यूकस रिलीज होता है एंड वो स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हम इस डायग्राम से स्टमक के बारे में, जो हमारे स्टमक की जो सेल्स हैं कोशिकाएं हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपकी है पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल और चीफ सेल, मतलब इसका जो पेप्टिक सेल के उसका नाम जाइमोजेमिक
जेनिक भी है एंड चीफ शेल भी है, हिंदी में इसको मुख्य कोशिका बोलेंगे। इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। दूसरी होती है आपकी ऑक्सेंट्रिक सेल, अम्लजनन कोशिका और पेरिटोनियल सेल, भित्तीय कोशिका। इसका काम क्या होता है, ये एस सेल को रिलीज करती है और इस जिससे क्या होता है कि पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है। ये एच सेल की प्रेजेंस में ही हमारा पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट होते हैं। अब तीसरी जो सेल होती है वो होती है गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल, श्लेष्म कोशिका। ये म्यूकस रिलीज करती है और इसका काम क्या होता है आपका, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड। हमारा जो एच सी एल है उससे प्रोटेक्ट करना स्टमक की वॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। हमारा स्टमक को बॉडी का वेयर हाउस, या इसको वेयर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो खाना होता है ना वो टोटल 4 से 5 घंटे तक रहता है। 4 से 5 घंटे आपका खाना यहाँ पे स्टोर रहता है और ये सारे प्रोसेस होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आएगा, आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं आपका गैस्ट्रिन के बारे में। गैस्ट्रिन नाम से मत समझिएगा कि ये एक एंजाइम है, ये एक हार्मोन होता है पेट में जो कि हमें भूख का एहसास दिलाता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, मतलब इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। आपको जो भूख लगने का एहसास होता है वो गैस्ट्रिन जब रिलीज़ होता है तो इसकी वजह से होता है। तो अब से आप कभी भी समझिएगा आपको भूख लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो रिलीज़ हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका पूरा खाना पूरा पाचन हो जाता है और उसके बाद आपका अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अवशोषण होगा फूड का वो आपका ब्लड में। स्टमक से निकलने के बाद भोजन अम्लान कहलाता है। जब हमारा जो खाना स्टमक में जो डाइजेशन हो गया उसके बाद जो खाना आपका छोटी आंत में आता है तो उस भोजन को क्या बोला जाएगा, उसको इंग्लिश में काइम बोलेंगे, हिंदी में अम्लान बोला जाता है। छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस, पित्तरस, अग्नाशय रस एवं आंत्र रस मिला दिए जाते हैं। इनको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइल जूस, जिसको हिंदी में पित्तरस बोला जाता है, कि इसका काम क्या 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 होता है। बाइल जूस लिवर द्वारा स्रावित होता है जो कि गैल ब्लेडर में स्टोर होता है। हमारा जो पित्तरस होता है वो लिवर द्वारा सीक्रेट होता है और ये स्टोर किस में होता है, गैल ब्लेडर में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे बाइल जूस में क्या क्या होता है, 2 पिगमेंट होते हैं जिसका नाम है बिली वर्डिन एंड बिली रूबिन, और यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता है। और बिली वर्डिन का जो कलर होता है आपका ग्रीन एंड बिली रूबिन का येलो कलर होता है। अब बात करते हैं जैसे जॉन्डिस, पीलिया में जो हमारा शरीर का पीला रंग होता है वो इसी के कारण होता है, पूरे शरीर का पीला रंग बिली रूबिन के कारण होता है। और आपका जो प्लाज्मा होता है वो भी येलो कलर का होता है, तो उसको उसका भी रीज़न क्या होता है, बिली रूबिन के कारण। एंड फीसिस, जिसको हिंदी में आपका मल बोलेंगे, वो भी आपका येलो कलर का होता है, तो इस किसके कारण होता है, ये बिली रूबिन के कारण होता है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी आपका बोलेंगे यूरिन का कलर, उसका कलर येलो होता है बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। ये गलती मत कीजिएगा, इसको क्वेश्चन में पूछा गया है शायद कि यूरिन का कलर पीला किसके लिए किसके कारण होता है, वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है, ना कि बिली रूबिन के कारण। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। और आपने देखा होगा कि वॉशरूम के पास से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो गैस का नाम पूछ लेते हैं, तो वो क्या है, वो अमोनिया की है। जो स्मेल आपको आती है वो अमोनिया होती है। आप देखते हैं बाइल जूस का काम क्या होता है, कि बाइल जूस में उपस्थित लवण सॉल्ट्स जो होते हैं भोजन में उपस्थित वसा को, मतलब कि फैट को, जल के साथ मिला के छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। बेसिकली इमल्सन से आप क्या समझते हैं, पानी और ऑयल का मिक्सचर, ऐसे द्रव जो जल्दी मिक्स नहीं होते हैं उनको मिक्स करने को हम क्या बोलते हैं, उनको इमल्सन बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका मिल्क, बटर, ऑयल पेंट्स, तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। इसका क्या काम होता है पेनक्रियाटिक जूस का, हिंदी में इसको अग्नाशयी रस बोलेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन
आदि सभी के पाचक के लिए पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे सारे सभी इन सभी के पाचन के लिए, देखिए आपने पढ़ा होगा कि माउथ में स्टार्च का पाचन होता है, लेकिन ये सब क्या होता है, पार्शियल तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको, क्योंकि सबका सबके लिए पाचक एंजाइम यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे फुल कंप्लीट डाइजेशन होगा, इसीलिए इसको इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन से एंजाइम हैं और क्या क्या करते हैं ये एंजाइम्स करते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन लिखना रह गया था, तो यहाँ पे आपका जो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन होता है वो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और आपका एमाइलेज होता है वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड जो लाइपेज हमारा होता है वो फैट के मतलब वसा के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो पैनक्रेटिक जूस में इन सभी के लिए पाचक एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके इन सबके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, जिसको कि हिंदी में आंत रस बोला जाएगा। इनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपका आता है माल्टेज। तो माल्टेज क्या होता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज से फिर ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। देन सुक्रेज, सुक्रोज को ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, और फिर आपका आता है लैक्टेज, तो लैक्टोज को ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे इसका मेन ये एंजाइम्स होते हैं और ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये आपकी एक यह बड़ी आंत है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का होता है, मतलब कि जो आपके लवण और पानी होते हैं उनका होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन आपका हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम इन सब जो होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जल का। अब देखते हैं और क्या क्या होता है बड़ी आंत में। यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, मतलब मल का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका रेक्टम, जिसको हिंदी में आपका मलाशय बोलेंगे, इसमें आपका ये स्टोर होगा आपका, और ये एनस के थ्रू आपके जो वेस्ट पूरे जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आउट बॉडी से बाहर निकल जाती हैं एनस के थ्रू। और रेक्टम क्या होता है, यहाँ पे आपका फीसेस स्टोर रहेगा। अब देखिए पार्ट्स ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, तो इसके तीन पार्ट होते हैं, सीकम, रेक्टम एंड कोलन। तो हमारी जो अपेंडिक्स होती है बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी होती है। तो अपेंडिक्स जो है ना, पहले यूज़ होता था, अब ये किसी भी यूज़ का नहीं है। कभी कभी लोगों को अपेंडिक्स में खाना चला जाता है तो वहाँ पे भोजन सड़ने लगता है, तो इसकी वजह से बहुत दर्द होता है और फिर वो निकाल दिया जाता है बॉडी से। देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि अपेंडिक्स को ऑपरेशन के लिए, तो इसका अभी कोई यूज़ नहीं, ये अवशेषी अंग में गिना जाता है। अब बात करते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब कि जो पाचक ग्रंथियां, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली आपकी है लिवर। तो क्या है, लिवर आपकी बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लिवर है। लिवर का काम क्या है, लिवर सिक्रेट बाइल जूस, हम पढ़ चुके हैं पित्तरस का ये श्रावण करता है। अब नेक्स्ट है आपका बाइल जूस स्टोर इन ग्लैंडबैडर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे लिवर के ऊपर एक थैली होती है जिसमें कि गैल ब्लैडर होता है, और उसी में बाइल जूस आपका स्टोर होता है। और लिवर का और क्या काम होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखता है, मतलब लिवर ग्लूकोज होता है वो आपके लिवर में स्टोर होता है, लेकिन किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अब अदर वर्क्स ऑफ लिवर डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला है आपका बाइल जूस एंड यूरिया सिंथेसिस, मतलब बाइल जूस और यूरिया का संश्लेषण करना ये। नेक्स्ट है हेपेरिन का सिक्रेशन एंड आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करना, हमारे आरबीसी के जो निर्माण के लिए आयरन की जरूरत होती है उसको भी लिवर स्टोर करता है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हमारा अग्नाशय बोलते हैं, ये पेट और छोटी आंत के बीच में एक ऑर्गन होता है जिसको कि पैनक्रियाज कहते हैं, और ये हमारी मिक्स ग्लैंड होती है, मतलब बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन
बहिस्रावी। तो हमारी जो एंडोक्राइन होती है उसके अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, तो आपका इंसुलिन आपका होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड उसमें होता है, एंड ग्लूकागॉन। एक्सोक्राइन से क्या होता है, पैनक्रेटिस जूस सीक्रेट होता है। पैनक्रेटिक जूस के बारे में तो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है इंसुलिन के रिगार्डिंग एंड पैनक्रेटिक जूस के रिगार्डिंग, या पैनक्रियाज आपकी कैसी ग्लैंड है, तो आपका आंसर होगा मिक्स ग्लैंड। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था डाइजेशन से रिलेटेड, और इसमें मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा लेक्चर हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही कम उसमें वो किया है और सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। और इसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें कि हम इससे रिलेटेड सारे MCQs डिस्कस करेंगे, तो उसको देखना भी ना भूलें। और थैंक यू, और अगर आपको कोई ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा।